Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video we are going to discuss a topic जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है. Government is planning to sell 3% shares of CIL. We will be exploring the disadvantages of selling government shares of PSU company. इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें. जब सरकारें PSU कंपनी में अपनी शेयर्स बेचने का फैसला करती है तो इसके महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं. आइए इस फैसले से जुड़ी कुछ नुकसानों पर चर्चा करते हैं. नंबर 1, लॉस ऑफ कंट्रोल. लॉस ऑफ कंट्रोल एक बहुत बड़ी कमी है. बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट ओनरशिप सरकार का PSU कंपनी के भीतर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पर प्रभाव कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट कंपनी की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस को आकार देने, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने या कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामलों में कहने की एबिलिटी कम हो सकती है. इसका एक उदाहरण है 2000 के दशक की शुरुआत में सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के संचालन पर लॉस ऑफ कंट्रोल का नुकसान हुआ. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ता, सीसा, चांदी और कैडमियम का इंटीग्रेटेड माइनिंग एंड रिसोर्सेज प्रोड्यूसर है. यह वेदांत लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है. पहले यह एक PSU था जिसे भारत सरकार ने वेदांता लिमिटेड को बेच दिया था वर्ष 2003 में. नंबर 2, पोटेंशियल जॉब लॉसेस. अनदर डिसएडवांटेज इज द पोटेंशियल फॉर जॉब लॉसेस. प्राइवेटाइजेशन या गवर्नमेंट ओनरशिप को कम करने से अक्सर रीस्ट्रक्चरिंग एंड कॉस्ट कटिंग मेजर्स होते हैं. दुर्भाग्य से इसका परिणाम लेऑफ्स एंड डाउनसाइजिंग हो सकता है. PSU के कर्मचारियों को अनसर्टेन जॉब सिक्योरिटी, कम वेतन और कम लाभ फेस करना पड़ सकता है, जिसके नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं. नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज एंड यूनियन. कर्मचारियों और श्रमिक संघों पर प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है. निजीकरण से नौकरी की सुरक्षा, वेतन और अन्य लाभ के लिए खतरे के रूप में धारणा विरोध, हड़ताल और प्रतिरोध के अन्य रूपों को जन्म दे सकती है. सच डिस्ट्रप्शंस PSU कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी पर एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है. नंबर 4, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक सेक्टर कंपनीज का यूजुअली प्रॉफिट जनरेशन के बियॉन्ड एक व्यापक जनादेश होता है. वे एसेंशियल सर्विसेज प्रदान करने, रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने या स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं. सरकारी शेयरों को बेचने से कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट पर अधिकतम लाभ को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे सर्विस की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में गिरावट आ सकती है. नंबर 5, रिस्क ऑफ मोनोपोली एंड मार्केट कंसंट्रेशन. सरकारी शेयरों की बिक्री करने से बाजार की मार्केट कंसंट्रेशन बढ़ सकती है और मोनोपोली या ओलिगोपोली की ओर रास्ता बना सकती है. इससे रिड्यूस्ड कंपटीशन, हायर प्राइसेस, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस और लेस इनोवेशन विद इन द इंडस्ट्रीज हो सकते हैं. ऐसे आउटकम्स कंज्यूमर्स और ओवरऑल मार्केट दोनों के लिए हानिकारक हो सकते. नंबर 6, लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड डिविडेंड्स. PSU कंपनियां अक्सर डिविडेंड, टैक्सेस और अदर फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के माध्यम से गवर्नमेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है. गवर्नमेंट शेयर की बिक्री से इस रेवेन्यू सोर्स में लॉस हो सकता है. एडिशनली, अगर कंपनी की वैल्यू शेयर्स की बिक्री के बाद बढ़ती है तो गवर्नमेंट को पोटेंशियल फ्यूचर गेन से भी वंचित रहना पड़ सकता है. नंबर 7, इम्पैक्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट. लास्टली, PSU कंपनियों में गवर्नमेंट शेयर की सेलिंग का रीजनल डेवलपमेंट पर इम्प्लीकेशंस हो सकता है. पब्लिक सेक्टर कंपनीज अक्सर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स या स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में प्रेजेंस होती है. यदि प्राइवेट इन्वेस्टर्स हायर प्रॉफिट वाले रीजन्स पर फोकस करती है तो PSU कंपनियों वाले रीजन्स में इन्वेस्टमेंट की कमी हो सकती है, जिससे रीजनल डेवलपमेंट प्रभावित होगा और रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ेगी. हालांकि PSU कंपनियों में गवर्नमेंट शेयर की सेलिंग के पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ईच केस इज यूनिक और परिणाम अलग अलग हो सकते हैं. प्राइवेटाइजेशंस के प्रभावों का इवैल्यूएशन करते समय स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, इंडस्ट्री डायनामिक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को केयरफुली कंसिडर करना महत्वपूर्ण है। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन PSU कंपनीज पर डिस्कशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वी वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक इन द कमेंट्स बिलो। एंड एज ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल for more engaging content. Thank you for watching and we'll see you in the next video. Till then, as always, Jai Hind, Jai Bharat.